दुर्गापुर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य पुलिस आयुक्त के साथ पश्चिमांचल के 7 जिलों के अधिकारियों की हुई बैठक के पूरे होने के महज 24 घंटे के अंदर ही दुर्गापुर में एक बड़ी सड़क दुर्घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से प्रांतिका जाने के लिए एक मिनी बस सुबह निकली थी। इसी दौरान जब बस संजीव सारणी से होकर गुजर रही थी, तभी अचानक से तेज रफ्तार में चल रही यह बस नियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में बस के अंदर सवार लगभग 25 यात्रियों को चोट आई। घायल हुए लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया तथा इलाज के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल हुए 13 लोगों में से कई लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन तथा नगर निगम से बार बार शिकायत करने के बावजूद इस मार्ग को ठीक करने को लेकर प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, जिस कारण आम लोगों को इस तरह से दुर्घटनाओं में अपने आप को जख्मी करना पड़ रहा है। প্রচন্ড স্পিডে আমাকে, আমি ছিলাম রাস্তার উপরে, আমি রাস্তা থেকে যখন যেই নেমে গেলাম, আমার পাশ হয়ে রাস্তার সাইড থেকে উপরে উঠতে গেছিল, রাস্তায় উঠতে গিয়ে গাড়িটা পাল্টি মেরে। লোক ছিল 30 জনের মতন। কতজন আহত হয়েছে? আহত মধ্যে 5-6 জন আহত হয়েছে। ভালো আহত হয়েছে? হ্যাঁ, কটা আঘাত হয়েছে? প্রচন্ড স্পিডে ছিল। কোন রুটের বাস? এটা হচ্ছে বিধাননগর। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল? এটা বাস স্ট্যান্ড থেকে বিধাননগর যাচ্ছিল, প্রান্তিকা। চলতি মানুষ ছিল সেই সময়? হ্যাঁ, চলতি মানুষ সেইভাবে ছিল না।